हापुर हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने एम्प्लॉय सुशील शर्मा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। वह अब किसी भी रूप या विषय से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूँ अब सबानु सिद्दीकी। बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहाँ सड़क हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, मौके पर ही दर्दनाक मौत। मामला जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के सियाना चौपला का है, जहाँ रोडवेज बस ने एक 55 वर्षीय किसान को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही भेजने का प्रयास किया तो परिजन मुआवजे की मांग पर अड़ गए। उसके बाद वहां पूर्व विधायक मदन चौहान समेत काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर पहुंच गए और उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग पर आश्वासन दिलाया और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये सड़क हादसे में मौत हुई है, किसान की क्या मामला पूरा? ये सिकंदर गांव का रहने वाला है, सुरेश कुमार करीब 55 साल है। ये सियाना चौपले से गांव से आए थे किसी काम से गढ़ के लिए। सियाना चौपले की सड़क मृत हुई तो कुछ गांव वाले आ गए, उनके परिवारी जन आ गए, कुछ उनका डिमांड थी कि मृतक जो है भूमि है उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। घर का अकेला कमाने वाला था, उसके संदर्भ में लोग रुके हुए थे। मैं और मजिस्ट्रेट हमारे एस डी एम साहब दोनों लोग आके और लोगों को समझाया बुझाया और आश्वासन दे कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार नियमानुसार जिनकी उनकी सहायता और है उनको पूरी की जाएगी और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। परिजनों को समझाने के लिए मौके पर एस डी एम सी और इंस्पेक्टर समेत काफी संख्या में अधिकारी भी पहुँच गए। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।